नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश विराज और आप देख रहे हैं रोगियों निदान। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे इस पर्टिकुलर जो हमारा रोगियों निदान का जो टॉपिक चल रहा है, इस पे हम बताते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों पे हम IMC के कम प्रोडक्ट लेकर के उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट करेंगे तो फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनेंगे उनके नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिस समस्या से हर एक व्यक्ति लगभग पीड़ित है, और वो प्रॉब्लम है एसिडिटी यानी कि गैस की प्रॉब्लम के बारे में। गैस की एसिडिटी की प्रॉब्लम लगातार लोगों में बढ़ती चली जा रही है और हम इसको अपने सामान्य दैनिक दिनचर्या से, अपने खाने पीने के तरीके से, इन सारी चीज़ों से भी इसको कवर अप कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी ये रिजॉल्व नहीं हो रही तो IMC के कुछ एक प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल आप करेंगे तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे गैस या एसिडिटी होती कैसे है। तो सबसे पहली चीज है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जो हम मुंह से खाते हैं इसके बाद ईसोफेगस के माध्यम से हमारे स्टमक में जाता है, और स्टमक में जाने के बाद वहां पर पाचन की प्रक्रिया होती है, और उस पाचन की प्रक्रिया के पीछे होता है हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जहां से एसिड जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑलरेडी एसिड होता है, अगर एसिड नहीं होगा तो खाना पचेगा नहीं, जिसका लगभग pH 4 के आसपास होता है, तो वो एसिड हमारी बॉडी पे जाता है, उसका होना आवश्यक भी, वो एसिड हमारी बॉडी पे जाता है और जा करके उस भोजन को पचाता है। लेकिन फिर ये एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम होती कैसे है? जब हमारे इरेगुलर शरीर के हमारे जो इरेगुलरिटी की वजह से वो एसिड ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है और ज्यादा मात्रा में पहुंच जाता है, जितना हमारे भोजन को पचने में एसिड चाहिए होता है उतना यूज हो जाता है, उसके बाद जब एक्स्ट्रा एसिड हो जाता है स्टमक में हमारे पड़ा होता है, तब उसके बाद ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है कि जब वही ईसोफेगस में रिटर्न मारता है, जब वो एसिड हमारे ईसोफेगस में रिटर्न आता है तो हमारे, आपने देखा होगा कि सीने में या गले में जो जलन की प्रॉब्लम हो जाती है वो एसिडिटी का ही रीजन है। जब वो एसिड रिटर्न करता है तो इसकी वजह से हमारे सीने में या गले में जलन शुरू हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खट्टी डकार भी आती है, तो वो भी एक कारण है उसी का कि एसिडिटी आपको हो रही है। इससे हमें यह पता चल जाता है, सिम्टम है एक तरह का, जिससे हमें जानकारी होती है कि एसिडिटी होती है, छाती में जलन होती है, सीने में और गले में भी जलन होने लगती है। बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को हिचकी आने लगती है, या ऐसा होता है कि जब सीने में जलन होती है उसी दौरान उनके जब गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो बहुत सारे लोगों को खाने के कुछ पार्टिकल्स भी मुंह में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके गले में एक बहुत भयंकर जलन होती है, और वो जलन होती है उस एसिड की, जो एसिड हमारे शरीर से आ रही होती है। सांस जो होती है अंदर से गंदी सांस आती है, जो भी बदबू मुंह से आने लगती है, तो जिन लोगों को एसिड की प्रॉब्लम होती है उन्हीं लोगों को ऐसी एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को अक्सर इस तरह के मुंह में बदबू की प्रॉब्लम भी आती है। इसके अलावा और भी क्या सिम्टम होते हैं कि थकावट जैसी महसूस होने लगती है, कुछ लोगों को वोमिटिंग जैसी महसूस होने लगती है, तो ये सारे रीजन होते हैं कि जिस वजह से ये हमारे शरीर पर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है, ये हमको पता चलता है। अब हम किस तरीके से इसको हम कम कर सकते हैं, हाइपर एसिडिटी को या इस गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को हम किस तरीके से कम करें, हमें क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ थिंग अगर हम बात करें तो इन सारी चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ उत्तरदायी है तो वो हमारा खान पान है। जो हमारे खाने पीने का रेशियो, जो ढंग है, जो तरीका है कि हम लोग पहले आराम से चबा करके भोजन करते थे, वो तरीका बदल गया। हम लोग एक नॉर्मली सब्जियां, फ्रूट से इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, उन चीज़ों को यूज़ करना बंद कर दिया। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा, कॉफ़ी, चाय, ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम एसिडिटी की बढ़ रही है, एसिड हमारी बॉडी पे बढ़ रहा है। क्योंकि जब एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स बॉडी पे लेके आएंगे, हमारी बॉडी तो ऑलरेडी एसिड बना रही है जितना उसको नीड है, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा एसिड ले रहे हैं, हम एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स ले रहे हैं अपनी बॉडी पे, जब वो एसिड बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, फास्ट फूड है, ये सारी चीज़ें आपको बताई, वो सारी चीज़ें हम जो हम ले रहे हैं तो हमारे शरीर पर एसिड बढ़ता है। चाय, काफ़ी, कोल्ड ड्रिंक से भी एसिड बढ़ता है। बहुत सारे लोग एडिक्टेड होते हैं कि दिन में 8-10 चाय पीते हैं, तो फिर जब एसिड बॉडी पे जाएगा तो फिर वो एसिडिटी होनी होनी है और गैस की प्रॉब्लम भी बढ़नी है। उसके अलावा कुछ और कारण होते हैं, जैसे कि जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, जो लोग सोचते रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। साथ में कुछ लोगों का स्लीपिंग का इशू होता है कि वो लोग बहुत देर में सोते हैं और जल्दी उनका उठने का रहता है, तो देर रात तक जगना, मतलब एक टाइमिंग है कि आप 10 बजे तक अगर सोते हैं, आपको कम से कम 6 से 8
आठ घंटे प्रॉपर वे पे नींद लेनी चाहिए। अगर छह घंटे सात घंटे नींद ले रहे हैं वो भी एक टाइमिंग पे। अब आप पता लगे रात में दो बजे सो रहे हैं और दोपहर में बारह बजे तक सोते रहते हैं, तो ये प्रॉपर टाइमिंग नहीं है। और ना ही आपके उसमें खाने का, आपके जो भी शरीर के जो भी दिन की जो क्रियाएं होती हैं वो कोई भी क्रिया आप रेगुलर वे पे नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित है एसिडिटी से प्रॉब्लम होगी। अल्कोहलिक लोग जो होते हैं, अल्कोहल का अधिक सेवन करते हैं, उन लोगों को भी एसिड की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो शुगर के पेशेंट्स को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है और होती है बहुत सारे लोगों को। जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी हैं, मोटे हो रहे हैं उनका है, तो इस तरीके से मोटापा बढ़ रहा है, तो भी ऐसे लोगों को भी अक्सर देखा गया है कि उनको गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम उनमें देखी गई है। तो सामान्य सी बात है कि हम अगर इन सारी चीज़ों में कंट्रोल करें तो हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम यहीं से रिजॉल्व हो जाएगी, वो सारी हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करें कि इसमें हम नॉर्मल वे पे घर पे क्या करें, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ थिंग्स हम आपको सबसे पहली चीज सजेस्ट करते हैं वो है पानी। पानी का सुधार कर लीजिए, क्योंकि पानी जो हम पी रहे हैं तो वो पानी हमारे घर पे अगर आप आरओ का भी ले रहे हैं या कोई भी पानी ले रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें एसिडिक हो वो पानी या नॉर्मल भी हो सकता है। तो हमें एल्कलाइन वाटर चाहिए, तो हमको एल्कलाइन पानी पीना है। एल्कलाइन पानी पीने के लिए आप या तो एल्कलाइजर ले सकते हैं, एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप्स ले सकते हैं, अगर उसके अलावा भी नहीं हो रहा है तो आप एल्कलाइन बोतल आती है एमसी की, एल्कलाइन बोतल ले लीजिए, उसमें भी आप पानी भर के रखेंगे, 10 से 15 मिनट पानी एल्कलाइन हो जाता है। तो जो हमारे शरीर में ज़्यादा एसिड बढ़ रहा है तो हम पानी को चेंज करेंगे, एल्कलाइन वाटर पीना शुरू करेंगे, तो वहां से वो उसको जाकर के बैलेंस करना शुरू करेगा। नेक्स्ट ऑफ थिंग हम बात करें कि हमें प्रॉपर वे पे जो हरी सब्जी आ रही है, जो फ्रूट्स आ रहे हैं, जो मौसम के फल हैं, उन फलों को, हरी सब्जियों को लेना शुरू करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रसाहार वाली, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रस हो, वो ऐसे फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। नींबू पानी है, नारियल का पानी आप ले सकते हैं, नारियल का पानी भी बहुत ज़्यादा एसिड वाले प्रॉब्लम के लिए फायदेमंद होता है। और खाने में चोकर वाले आटे का भोजन जो है, जिसमें ज़्यादा मतलब मोटा अनाज जिसको बोलते थे ना, वो मोटा अनाज अगर आप लेंगे तो भी आपको बहुत उससे फ़ायदा मिलेगा। भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा चबा करके खाएं, और चाय वगैरह, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल का प्रयोग ना करें, तो आप एसिडिक प्रॉब्लम से, एसिड जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी होगी। अगर इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है, आप किसी प्रोडक्ट को लेना चाह रहे हैं, आईएमसी कंपनी के हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको दो से तीन प्रोडक्ट सजेस्ट करने वाला हूं, वो प्रोडक्ट आप लीजिए, बिल्कुल आपको ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। लेकिन आपको साथ में ये जो हमने चीजें बताई है ये भी करनी होगी, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, व्यायाम योगा थोड़ा बहुत करेंगे, थोड़ा वॉकिंग कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज होती है आप वॉकिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग और स्विमिंग, ये चीजें अगर चार चीजें करते हैं तो ये इस प्रॉब्लम के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। और बहुत ज्यादा खतरनाक वाले योगा ना करें, और इस तरह के वॉकिंग साइकिलिंग करेंगे या सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे, ये आपको बहुत फायदे करेंगे। मिर्च मसाले वाली चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, फास्ट फूड इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात करें प्रोडक्ट कौन कौन से ले सकते हैं, तो आईएमसी कंपनी के अगर आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ थिंग्स आपको लेना होगा लिप केयर सिरप या लिप केयर टेबलेट, आप दोनों में से एक ले सकते हैं। टेबलेट ले रहे हैं तो एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम लेंगे, खाना खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं। और अगर आप सिरप ले रहे हैं तो उसी प्रक्रिया से कर सकते हैं। एलो डाइजेस्ट का सेवन करें, दिन में कम से कम तीन बार आप इसको सेवन करेंगे। कुछ भी खा रहे हैं, खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद इसको गुनगुने पानी में या सादे पानी में 5 से 6 बूंद आप डाल करके एलो डाइजेस्ट का सेवन करें। या जब भी आपको गैस फंसने की प्रॉब्लम हो रही है, लग रहा है कि आपको गैस बनी हुई है, दिक्कत करे, तो आप इसका सेवन करें। साथ में आप एलो पाचक रिस्ट लें, सुबह और शाम एलो पाचक रिस्ट का सेवन करें। तो आप लिप केयर टेबलेट या लिप केयर सिरप, एलो डाइजेस्ट और एलो पाचक रिस्ट का प्रयोग करें। साथ में एल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल करें, जिसको आप एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप से भी एल्कलाइन कर सकते हैं या आप एल्कलाइजर लगवा करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, इन सारे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल, इसी चैनल पर जाइए, वहां पर आपको सारे प्रोडक्ट की डिटेल वीडियो मिल जाएगी, किस प्रोडक्ट पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, वो सारी जानकारी आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो चाहते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को परचेज करें, तो स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करिएगा, वहां से आप बात करके उनसे बोलिएगा कि हमें एक डिस्काउंट आईडी बनवाना है, आईएमसी के प्रोडक्ट लेने के लिए डिस्काउंट आईडी बनवाइए, आईएमसी के प्रोडक्ट परचेज करिए, वो आपको आपके सिटी के आसपास का एड्रेस दे देंगे, या आप अपने मोबाइल पे लॉगिन करके भी वहां से देख सकते हैं। आप हमारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन हमारी वेबसाइट www.imcbusiness.com से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपके पास आईएमसी की डिस्काउंट आईडी होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये करेंगे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, साथ में परहेज रखिए। इसी तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई मिलने वाला व्यक्ति ऐसे गैस्ट्रिक जैसी प्रॉब्लम से पीड़ित है, एसिडिटी की प्रॉब्लम से पीड़ित है, तो आप ये वीडियो उसको तुरंत फॉरवर्ड करिए, जिससे उसको भी लाभ मिल सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे, जिनका नोटिफिकेशन
आपको प्राप्त होगा तो आप वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।